एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर, क्योंकि इस मुद्दे पर चर्चा बहुत ही ज्यादा चल रही है। हर बार की तरह देखा जाता था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और यहाँ भाजपा ने इस बार पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना ली है। सरकार तो भाजपा ने 3 राज्यों में बना ली है, लेकिन तीनों राज्यों में सीएम पद और सीएम फेस को लेकर यहाँ अभी तक तिकड़मबाजी चलती नजर आ रही है। बात करें हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में यहाँ देखा जा रहा है कि दो चेहरे सामने आ रहे हैं। एक तरफ रमन सिंह है तो दूसरी तरफ यहाँ पर महिला आदिवासी समुदाय से महिला चेहरा जो है रेणुका सिंह का सामने आ रहा है। चर्चा यहाँ पर यह भी चल रही है कि रमन सिंह को साइड कर भाजपा इस बार आदिवासी महिला चेहरे पर इस बार यहाँ पर दाव खेल सकती है। इससे पहले आपको बता दें कि देश के राष्ट्रपति पद पर भी जो महिला बैठी है वो भी आदिवासी समुदाय से आती है, और छत्तीसगढ़ में सीएम पद अगर यहाँ पर आदिवासी महिला को दे दिया तो यहाँ रमन सिंह का क्या होगा। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए आकाश यहाँ पर मौजूद है। आकाश से सबसे पहला सवाल है कि आकाश, छत्तीसगढ़ में आप रमन सिंह को देख रहे हैं या फिर यहाँ रेणुका सिंह को इस बार यहाँ चुना जाएगा? देखिए नेहा, बता दें जिस तरीके से यहाँ पर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की और उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ को लेकर अटकलें तेज होने लगी हैं कि दोनों में से कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर सीएम के तौर पर देखा जाए, तो देखिए दोनों ही कैंडिडेट अपने रूप पर अच्छे हैं और दोनों ही कैंडिडेट का यह मानना है कि अगर आलाकमान ये तय करता है और मुझ पर ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो मैं भली भांति इसको निभाऊंगी। वहीं अगर रेणुका सिंह की बात की जाए तो रेणुका यहाँ पर एक महिला के तौर पर बेहतर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सदन के पहले दिन अगर आपको याद हो तो महिला आरक्षण बिल पर बात करी थी, और कहीं ना कहीं वो महिला आरक्षण बिल पर बात करने की वजह से अब यहाँ पर वो काम होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही बता दें कि ये पहला ऐसा मौका होगा और पहली बार ऐसा होगा जब छत्तीसगढ़ में एक महिला यहाँ पर सीएम बन रही हो, तो ये काफी बड़ी बात रहेगी। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का माहौल है तो ऐसे में एक महिला अपने हाथ में भागदौड़ संभालती है और ऐसे में वो एक SC समुदाय से कहीं ना कहीं आती है, पिछले समुदाय से आती है, तो ये बेहतर ऑप्शन रहेगा और केंद्र के चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी से बेहतर ऑप्शन के रूप में ले सकेगी और चुनाव बटोर सकेगी, क्योंकि केंद्र के लिए इनको ज्यादा से ज्यादा वोटों की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा वोट यहाँ पर पिछले समुदाय OBC ST से आते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में जो जनजाति समुदाय है उसका वोट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक अलग तरह की विजय दिला सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रेणुका सिंह की बातें ज्यादा चल रही हैं और एक वो जो है जिस प्रकार से दलित समुदाय वो पिछड़े समुदाय से आती हैं तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती भी है कि यहाँ पर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो आगे बढ़े और देश की बड़े पद पर राष्ट्रपति जो बैठी है वो भी इन्हीं में से आती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये प्लान कर चुकी है। लेकिन अगर रमन सिंह की बात करी जाए तो रमन सिंह भी किसी मुद्दों पर पीछे नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो चर्चाएं तेज हैं वो रेणुका सिंह को लेकर तेज है। उनकी बेटी का मोनिका सिंह का भी यही कहना है कि मैं बिल्कुल चाहूंगी कि मेरी माँ यहाँ पर सीएम बने और वो अगर सीएम बनती हैं तो एक अच्छे तौर पर यहाँ पर निर्वहन कर पाएंगी और वो भली भांत जनता से जुड़ पाएंगी, क्योंकि वो पिछले समुदाय से आती हैं और जनता को बेहतर समझती हैं, लोगों को बेहतर समझती हैं, और इस वजह से वो छत्तीसगढ़ में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगी। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि आकाश ने अभी बताया कि जो रेणुका सिंह है वो पिछड़े समुदाय से भी आती हैं, SC ST यहाँ पर उनका जो है देखा जा सकता है और एक महिला भी है, तो क्या आकाश आपको नहीं लगता है यहाँ पर कि अगर भाजपा किसी महिला चेहरे पर, वो भी पिछड़े समुदाय वाले चेहरे पर दाव अगर खेलती है तो यहाँ पर एक तीर से दो निशान वाला काम हो सकता है? क्योंकि अगर रमन सिंह को यहाँ चुना जाता है तो रमन सिंह से ये फायदा होगा कि रमन सिंह के पास जितना भी वोट बैंक है सिर्फ वोट बैंक आएगा, लेकिन यहाँ पर एक महिलाओं को लुभावने वाली बात होगी और दूसरी तरफ पिछड़ा समुदाय है जो उसको लुभाने की बात होगी, तो यहाँ पर एक तीर से दो काम वाला हिसाब किताब आपको नहीं लगता है ऐसा हो रहा है? हाँ बिल्कुल नेहा, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, और जो हिसाब किताब है वो भारतीय जनता पार्टी पहले से तय कर चुकी है, क्योंकि आप देखिए मध्य प्रदेश में यहाँ पर भारी संख्या पर वोट महिलाओं ने दिए, वो महिलाएं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही और कहा यह गया कि वो महिलाएं कांग्रेस को वोट देंगी, लेकिन यहाँ पर महिलाओं के द्वारा जो वोट पड़े वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ज्यादा जाते दिखे। आपको बता दें कि यहाँ पर 75.43% के आसपास यहाँ पर महिलाओं ने वोट दिए, तो ये एक बेहतर वोट बैंक है, और ऐसे में अगर रेणुका सिंह यहाँ पर पिछले वर्ष जिस प्रकार आती है, जनजात समुदाय
तराई से आती हैं वो यहाँ पर बागडोर संभालती हैं, तो ये महिलाओं का वोट बैंक बढ़ेगा और इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा मिलेगा केंद्र के चुनाव पे। विधानसभा में तो भले ही यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दी, लेकिन आने वाले केंद्र के चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी चूक नहीं करेगी, क्योंकि ये देश का सवाल है और देश की सत्ता पर कुछ ऐसा आना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति बैठना चाहिए जो भली भांति बागडोर को संभाल सके। और रेणुका सिंह यहाँ पर वो काम करती हुई नजर आएंगी, अगर वो सीएम बनती है तो आसपास की महिलाओं को अपने साथ जोड़ेंगी, और जब जब देश की महिला अन्य बागडोर संभाली है तो रिजल्ट हमेशा अच्छे देखने को मिले, चाहे वो इंदिरा गांधी का समय हो और चाहे आज के समय में राष्ट्रपति के तौर पर देखा जाए। जब भी एक महिला ने बागडोर संभाली है तो देश का विकास ही हुआ, और यहाँ पर अगर एक महिला बैठती है तो मुझे लगता है कि देश का विकास बेहतर होगा और यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर परफॉर्मेंस के साथ केंद्र पर छाप छोड़ पाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा सकता है कि जैसे कि अभी आकाश ने बताया कि चाहे इंदिरा गांधी का समय हो या फिर यहाँ देश के राष्ट्रपति की जो देश की जो कमान यहाँ राष्ट्रपति के हाथ में है वो भी एक महिला चेहरे के हाथ में है, और अब यहाँ पर भाजपा चाहती है जो कि यहाँ महिला आरक्षण वाला जो मुद्दा छिड़ा था वो धीरे धीरे अब काम करता नजर आ रहा है। अगर यहाँ छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के बजाय यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो रेणुका सिंह है उनको यहाँ पर सीएम पद दिया जाता है, राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में भी यहाँ पर ये जिक्र सामने आ रहा है कि जो बाबा बालकनाथ है उनको यहाँ पर सीएम पद दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी ये बात सामने आ रही है कि भाजपा यहाँ एक महिला को ही सीएम पद पर उतारने वाली है, ऐसे यहाँ पर कयास लग रहे हैं। और नाम यहाँ पर सामने आ रहा है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का, जो कि भोपाल से है और लगातार अपने बयानों से चर्चा में भी रहती है। तो क्या यहाँ पर आकाश आपको ये लगता है कि आने वाले समय में जितने राज्यों में भाजपा जीतती जाएगी उतने राज्यों में मतलब 40% महिलाओं को सीएम पद पर उतारने वाली है? और बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने इस बारे में खुद सदन में कहा था कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, महिलाओं को वो इज्जत तवज्जो देंगे जो यहाँ पर महिलाएं डिजर्व करती हैं, तो वो होता हुआ नजर आ रहा है। भले ही सदन में ये बिल पास ना हुआ हो और पास होने के बाद पारित ना हुआ हो, इसका चलन न लागू किया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पार्टी से इसकी शुरुआत कर दी, और कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये लागू होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे से इसकी शुरुआत कर दी है और पूर्णतया ये लागू होने पर भले ही समय लगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर उसको अपने हिसाब से लागू कर दी है, और ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर रेणुका सिंह यहां पर सीएम बनती है, उसके बाद मध्य प्रदेश में यहां पर अगर महिला सीएम चेहरा आता है, तो बिल्कुल यहां पर जो काम भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी वो करती हुई नजर आई। और महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही थी, महिला सशक्तिकरण बिल पास कराया गया था, और इसमें स्मृति ईरानी भी काफी ज्यादा जोरदारी से सामने आई थी, और ऐसे में अमेठी से स्मृति ईरानी भी यहां पर बागडोर संभाल रही है, तो अब अगर महिलाओं के हाथ पर बागडोर आती है तो मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा सही हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर महिलाओं के हाथों में अगर बागडोर आती है जैसे कि आकाश ने यहाँ बताया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी यही लगता है कि अगर देश की कमान जब यहाँ पर एक महिला के हाथ में है तो कहीं ना कहीं राज्य की कमान भी एक महिला के हाथ में होनी चाहिए, और उससे कितना फायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पड़ता नजर आएगा ये तो देखिए आने वाले समय बताएगा। क्योंकि अभी यहाँ ये बात चल रही है कि रेणुका सिंह को छत्तीसगढ़ सौंपा जा सकता है और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मध्य प्रदेश सौंपा जा सकता है, लेकिन अब ये देखना है कि आखिरकार यहाँ पर कौन सा राज्य किसको यहाँ मिलता है और कौन है वो महिला चेहरा। बात हम यहाँ पर करें तीन राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी है उस पर सवाल उठ रहे हैं। आकाश आपने भी देखा होगा कि तमाम पार्टी यहाँ पर सवाल उठा रही है कि ईवीएम में धांधली की वजह से तीन राज्यों में यहाँ पर अपनी सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, आपको क्या लगता है कि वाकई में ये सच है? देखिए नेहा जी, एक बार बता दें कि ये जब से ही देश के अंदर ईवीएम मशीन से चुनाव पड़ने शुरू हुए तब से ये अटकलें लग रही हैं, और ये अटकलें तभी लगती हैं जब विपक्ष हारता है। तेलंगाना में जब विपक्ष हार जीत गया तो यहाँ पर उस बात की चर्चा क्यों नहीं गई? अगर ऐसा होता तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती। इसके बाद अगर हम घोसी के चुनाव में बात कर लें तो घोसी के चुनाव में भी ऐसा देखने को मिला था उत्तर प्रदेश में, लेकिन ऐसे में तब यहाँ पर किसी ने इस बारे में जिक्र नहीं किया कि ईवीएम हैक है। वही दिग्विजय सिंह इस बात का हवाला देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कोई भी आसानी से हैक कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का भरोसा नहीं है, और हैकिंग की वजह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और इसका हवाला न सिर्फ विपक्ष के कुछ नेता बल्कि सभी नेता देख रहे हैं, अखिलेश यादव हो चाहे वो मायावती हो, यहां पर सभी नेता इस बात को बोलते हुए नजर आ, और उनका कहना है कि यहां पर जो रिजल्ट आए हैं वो किसी के गले नहीं उतर रहे। तो कहीं ना कहीं जो ईवीएम की धांधली की बारे में बात कही जाती है ये चुनाव के बाद ही आती है जब विपक्ष हारता। अगर विपक्ष यहाँ पर जीत रहा होता, तीन राज्य में से दो राज्य भी जीत रहा होता, तो मुझे नहीं लगता कि ईवीएम की बात यहाँ पर उठाई जाती, और ऐसे में अब चुनाव आयोग को
यहाँ पर इन लोगों ने खत लिखा है, चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको कदम उठाने चाहिए। तो ऐसे में जो वैलेट पेपर का इन्होंने जिक्र किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि वैलेट पेपर से यहाँ पर जो है चुनाव को नहीं हैक किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर पेटियों के पेटियों अगर देखा जाए तो पुराने समय में अगर हम जाए तो पुराने टाइम पर वैलेट पेपर से चुनाव होते थे, तब क्या यहाँ पर धांधली की खबरें नहीं आती थी, यहाँ पर पेटी की पेटी गायब हो जाती थी, अपने मन से यहाँ पर ठप्पे लगते थे। तो कहीं ना कहीं अगर धांधली होनी है तो आप ईवीएम से कराइए या वैलेट पेपर से कराइए, वो हो सकती है। वहीं अगर हम वैलेट पेपर की ही बात करें तो वैलेट पेपर पहले चलता था, और ईवीएम की बात करें तो ईवीएम कांग्रेस के टाइम पर आया था, और खुद कांग्रेस उस वक्त चुनाव लड़ रही थी और उसी वक्त ईवीएम आया था, तब चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि अब ईवीएम से यहाँ पर चुनाव पड़ेंगे, तब कांग्रेस को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जब वो हारने लगी है, विपक्ष हारने लगा है, तो यहाँ पर ईवीएम को एक एजेंडे के रूप में देखा जाता है, और हर बार ये देखा जाता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, जहां भी ऐसी बातें सामने निकलकर जरूर आती है। तो मुझे लगता है ये एजेंडे के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए एजेंडे के तौर पर यहाँ देखा जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ को लेकर। तो देखिए आज या कल में ये साफ हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ की कमान किसी महिला के हाथ में आने वाली है या फिर किसी पुरुष के हाथ में आने वाली है, क्या वो महिला आदिवासी समुदाय से होगी या नहीं। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 News। धन्यवाद।